रांची में जमीन संबंधी अपराध पर लगाम कसने की फुल प्रूफ रणनीति बनी है। अंचल कार्यालय और थानों में भूमाफिया की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इन भूमाफिया पर लगाम कसने के लिए अंचल कार्यालय और थाने मिलकर काम करेंगे। प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने इसे लेकर रांची के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में रांची शहर और आसपास के सभी थानेदार, अंचल अधिकारी, सीआईबी शामिल थे। इस दौरान डीजीपी अजय कुमार सिंह, आईजी रांची पंकज कंबोज, डीआईजी रांची अनुप बिरथरे, रांची डीसी राहुल सिन्हा, एसएसपी किशोर कौशल ने भी अपने सुझाव दिए। बता दें कि नगरी थाना क्षेत्र के दलादली चौक के पास ही 26 जुलाई की रात सीपीआई कार्यालय में घुसकर आदिवासी नेता सुभाष मुंडा की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया था। पुलिस प्रशासन भूमाफिया और जमीन दलालों पर एक्शन में है। पुलिस प्रशासन और इसी को लेकर यह बैठक हुई, जिसमें यह तय हुआ कि आपराधिक किस्म के जमीन माफिया पर सीसीए और थाना हाजिरी की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में थानेदारों को कहा गया कि रांची में अपराध को लेकर सरकार गंभीर है, अगर थानेदार इलाके में अपराध रोकने में असफल साबित हुए तो उन्हें रांची से हटाया जाएगा, साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। गृह सचिव ने सख्ती से अपने इलाके में भूमाफिया पर नजर रखने और समन्वय से काम करने को कहा है। अंचल से वैसे जमीन माफिया की जानकारी शेयर की जाएगी जो अंचल में फर्जी तरीके से जमीन कारोबार की गतिविधियों में शामिल रहा हो। और चलिए हमारे साथ सहयोगी दीपक उराव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए जिस तरह से आपराधिक ये क्राइम ग्राफ जब बढ़ा है, लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है और एक प्रेशर है पुलिस प्रशासन पर भी कि कैसे क्राइम कंट्रोल किया जाए, और इसी को लेकर एक बार फिर से कल मीटिंग हुई, समीक्षा की गई। डीआईजी ने यह सख्त कहा है कि हर थानेदार को अपने इलाके में सख्ती बढ़ानी होगी, अपराधियों पर लगाम कसना होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर कार्रवाई सीधे तौर पर उनकी होगी, न सिर्फ उन्हें रांची से हटाया जाएगा बल्कि एक्शन भी उनके खिलाफ लिया जाएगा। संदेश साफ है कि क्राइम को लेकर कोई भी किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता, उसे कंट्रोल करने के लिए जो सख्ती बरती जा सकती है सारे उपाय किए जाएं ताकि क्राइम को कंट्रोल किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची में अगर क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है और इसका मुख्य कारण है जमीन का विवाद, क्योंकि जिस तरह से जमीन का वैल्यूएशन राजधानी रांची में बढ़ रहा है उसी तर्ज पर कह सकते हैं कि भूमाफिया भी पनप रहे हैं, और जिसका नतीजा है कि जमीन विवाद को लेकर के जो हत्या जैसी घटनाएं जो है वो आए दिन देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से इससे एक दो माह पहले की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का जो जमीन पर भूमाफिया के द्वारा अवैध कब्जा की जा रही थी, और उसी वक्त हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए गृह विभाग को और रांची एसएसपी को जवाब तलब किया था कि भूमाफिया इतने सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं, इस पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। और जब इसको लेकर के जवाब तलब किया गया था, और उसके बाद आप देखेंगे कि राजधानी रांची में भी जमीन विवाद को लेकर के जिस तरह से हत्या की घटना लगातार सामने आई, कमल भूषण के हत्या के बाद कमल भूषण के सीए संजय कुमार की हत्या हुई, उसके बाद कुछ दिन पहले ही आपसे कुछ दिन पहले सीपीआईएम नेता जमीन सीपीआईएम नेता सुभाष मुंडा की भी जो है गोली मारकर हत्या की गई। तो ये तमाम जो हत्या हुई है वो जमीन विवाद को लेकर हुई है, और इसको लेकर के जिस तरह से हाई कोर्ट ने चिंता जाहिर की और उसके बाद कह सकते हैं कि
गृह विभाग भी इसको लेकर के एक बड़ी कार्रवाई करने का जो यो है वो तैयारी की, और कल जिस तरह से गृह सचिव के द्वारा जो बैठक हुई जिसमें डीजीपी, डीआईजी, एसपी, डीसी के अलावा अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी भी मौजूद रहे, और उस बैठक में कई दिशा निर्देश दिया गया कि चूंकि जिस तरह से हत्या की घटना घट रही इस पर लगाम लगाना है, आपराधिक गतिविधियों पर विशेष तौर पर नजर रखनी है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के बैठक हुई। बैठक में जो निर्देश दिया गया कि अंचल में या फिर थाना में जो भी कंप्लेन आते हैं उसकी त्वरित कार्रवाई हो ताकि समय रहते इस तरह की घटना पर लगाम लगाया जा सके। साथ ही साथ थाना प्रभारियों को यह निर्देश दिया गया है कि सप्ताह में दो दिन वो अंचल अधिकारी अंचल कार्यालय में बैठे ताकि अंचल में जो भी जमीन विवाद का मामला आता है उसे त्वरित सुलझाया जा सके, और अगर किसी थाना क्षेत्र में थाना में को अगर यह लगता है कि किसी जमीन विवाद को लेकर के अनहोनी घटना घट सकती है, हत्या जैसी घटना हो सकती है, तो इसकी सूचना जिला के एसपी और डीसी को त्वरित दे ताकि समय रहते उस पर कार्रवाई हो सके। तो ये तमाम टास्क है जो गृह सचिव के द्वारा दिया गया है, और इस पर जब इस तरह की चीजें अगर सामने आएगी तो जाहिर सी बात है कि गृह विभाग के द्वारा जो टास्क दिया गया है उस टास्क में अगर काम होगा तो काफी हद तक जो आपराधिक गतिविधियां हैं उस पर रोक लगेगी। और जिस तरह से रांची पुलिस ने एक लिस्ट भी जारी किया है, लगभग 45 भू माफियाओं की लिस्ट जारी किया है, और उस पर भी विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है। तो राजधानी रांची में जिस तरह से जमीन कारोबारी काफी सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं, और जमीन का विवाद भी दिनों दिन बढ़ रहा है, हर एक मोजा में आप देखेंगे तो जमीन का विवाद सामने आता है, और जमीन विवाद का कई कारण होता है क्योंकि भू माफियाओं की एक नजर होती है किसी भी खाली प्लॉट्स पर, जमीन पर, और उस पर अवैध कब्जा या दखल कब्जा करने की कोशिश होती है, और रैयत जब थाना या अंचल पहुंचता है न्याय की गुहार लगाने के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए, तो उसकी सुनी नहीं जाती है, और यही वजह है कि इस तरह की घटना सामने आती है। तो इस पर इसको लेकर के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी काफी खराब होती है, और इसको लेकर के कह सकते हैं कि रांची एसपी डीसी और गृह सचिव काफी इसको लेकर के काफी तैयारी की है कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटना सामने ना आए। तो कहीं ना कहीं अब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो खराब होती है या भूमाफियाओं का जिस तरह से मनोबल बढ़ा है, इस पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए किसी भी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है, चाहे रांची डीसी एसएसपी की बात करें या गृह सचिव की। गृह सचिव इसको लेकर के काफी चिंतित है, तो जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की कार्रवाई होगी, अगर बड़ी कार्रवाई होगी, तो कहीं ना कहीं जब भू माफियाओं की जो मनोबल बढ़ा हुआ है वो काफी हद तक रुकेगा। राजधानी रांची में आए दिन घटना हो रही, जितनी भी हत्या की घटना अगर होती है तो हर चौथी घटना या हत्या जो होती है वो कहीं ना कहीं जमीन विवाद से जुड़ा होता है। तो जमीन विवाद को लेकर के जिस तरह से यहाँ पे हत्या की घटना होती है, गोलीबारी होती है, और आए दिन इस तरह के मामले जो है सामने आते हैं, तो इसको लेकर बड़ी कार्रवाई करने की बेहद जरूरी, खास और इसके अलावा जो यहाँ पे जो थाना में जो मामला आता है या अंचल में आता है उस पर कार्रवाई करने के साथ साथ जो अपराधी जो जेल में बंद होते हैं और जब वो जमानत पर बाहर निकलते हैं तो उस पर भी विशेष निगरानी रखने की जरूरत है, और इस दिशा में भी रांची पुलिस काम कर रही है, उसकी तमाम गतिविधियों पर नजर रख रही है, क्योंकि यहाँ पे जितने जमीन को लेकर के जो हत्या होती है कहीं ना कहीं शूटर जो है बाहर स्टेट से हायर किया जाता है। आप सुभाष मुंडा की हत्या की अगर बात करें तो वहां भी जो शूटर जो है वो बाहर से हायर किया गया था। तो यहाँ भूमाफिया सक्रिय होकर के काम कर रहे हैं, लेकिन हत्या की घटना को अंजाम दिला देने में कहीं ना कहीं बाहर से शूटर को यहाँ लाया जाता है और उसके बाद हत्या की घटना को अंजाम दिया जाता है। तो ये तमाम चीजों को लेकर के, चाहे आपराधिक गतिविधियां की बात करें या फिर भूमाफियाओं पर लगाम लगाने की बात करें, तो इन तमाम चीजों को लेकर के गृह सचिव ने साफ साफ निर्देश दिया है कि जमीन विवाद का जो हत्या का कारण बनता है उसे उस पर एकदम रोक लगाना है। किसी भी सूरत पर भूमाफियाओं के द्वारा जो जमीन कब्जा की जाती है उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं, लेकिन जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर हमेशा खराब होती है, अभी मौजूदा समय में जिस दिन आए लगातार आए दिन इस तरह की घटना आ रही है, तो इसको लेकर के काफी सक्रिय हुई है, और सुप्रीम कोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट भी इसको लेकर काफी गंभीर है, और जिस तरह से झारखंड हाईकोर्ट ने लिस्ट जो मांगा था भूमाफियाओं की लिस्ट, उसमें 75 भूमाफियाओं का जो सीलबंद नाम के साथ उसे दिया गया है, तो हाई कोर्ट जिस तरह से चिंतित है उसी तरह से गृह विभाग भी चिंतित है। तो थाना प्रभारी और अंचलाधिकारी को भी गंभीरता दिखानी होगी, तभी इस तरह की घटनाओं पर रोकथाम की जा सकती है। जी आरती,
बिल्कुल। और देखिए, अब ये जो पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई है दीपक, अगर छोटी छोटी बातों को भी आप देखें तो ये साफ समझ में आता है कि डीजीपी ने ये बिल्कुल ये सभी को स्पष्ट कह दिया है। आप देखिए, जो सीसीए भी लगाने की बात कही जा रही है, या फिर वैसे जमीन दलाल जो जिन पर शक है, जिन पर ये लगता है कि वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, या फिर उनकी कोई संलिप्तता पिछले कई कुछ रिकॉर्ड्स में रही हो, उन पर भी पैनी नजर रखी जाए और उन्हें इंट्रोगेट किया जाए टाइम टू टाइम। बस इसलिए ये सारी तैयारियां कि जो अचानक से ये क्राइम ग्राफ बढ़ा है उसे किसी तरह कम किया जा सके, क्रिमिनलों पर एक अंकुश लगाया जा सके, उन्हें शिकंजा उन पर शिकंजा कसा जा सके। जी बिल्कुल, अभी जो रांची पुलिस ने जो लिस्ट तैयार की है 45 भूमाफियाओं की लिस्ट, अब ये वैसे भूमाफियाओं की लिस्ट है जो कहीं ना कहीं जमीन विवाद को लेकर के उनके खिलाफ जो है थाना में मामला दर्ज है। तो यही वजह है कि ऐसे अपराधियों या भूमाफियाओं पर का जो लिस्ट है वो रांची पुलिस तैयार की है और उस पर पैनी नज़र रखी हुई है कि उनकी तमाम गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही है रांची पुलिस के द्वारा। क्योंकि राजधानी रांची में हत्या की घटना जो इस तरह से जमीन विवाद को लेकर हो रहा है, तो इसकी मूल जड़ को समझना बेहद जरूरी है और ये मूल जड़ को ही समझते हुए जो है गृह विभाग के द्वारा गृह सचिव ने बैठक की और तमाम थाना में, चूंकि आप देखेंगे किसी भी मौजा में इलाके में जो घटना जो सामने आती है तो वो कहीं ना कहीं जमीन विवाद होता है। जमीन विवाद का कई कारण है, एक तो भूमाफिया जो है वो फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश करता है और ये एक मुख्य कारण है। तो वैसे परिस्थिति में जब जो रैयत होता है, जिस जो पीड़ित होता है, तो वो गुहार लगाने के लिए अंचल अधिकारी के पास जाएंगे या फिर थाना लोकल थाना के पास जाएंगे। जब वहां पे वो जाते हैं तो उसकी सुनी नहीं जाती है। तो वैसे परिस्थिति में, और ये भी चीज हमेशा सामने देखने को मिलता है कि भूमाफिया जो है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों से साठ गांठ बना करके रखते हैं, जिसका नतीजा है कि रैयत को न्याय नहीं मिलता है और भूमाफिया अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं, जमीन पर अवैध तरीका से कब्जा करते हैं। अगर रैयत उसका विरोध करते हैं तो फिर आने वाले समय में जो दो पक्षों में जो तनातनी की स्थिति जो होती है वो उत्पन्न होती है और फिर हत्या जैसी घटनाएं सामने आती है। कई जमीन ऐसे विवादित होते हैं जिसका जमीन पर कहीं उस जमीन पर कहीं ना कहीं दो तीन पक्ष जो है वो दावेदारी होता है। तो जाहिर सी बात है कि एक जमीन पर दो पक्ष या तीन पक्ष अगर दावेदारी करेगा तो उसका जो परिणाम है वो बुरा ही होगा। तो वैसे जमीन विभाग ने जो ये समीक्षा की, ये जो रणनीति बनाई है दीपक, कुल मिलाकर ये है कि अगर अंचल और थाने मिलकर काम करेंगे तो जमीन को लेकर के ये जो इतना सारा बखेड़ा खड़ा हो रहा है दोनों तरफ से अंकुश कसा जा सकेगा। आप चाहे जमीन मामले सबसे ज्यादा देखिए अंचल में अगर पहुंचते हैं ऐसे मामले, उसके बाद जब पुलिस कार्रवाई की बात आती है और अगर ये दोनों का कोलैबोरेशन हो, दोनों जो व्यवस्था है, दोनों व्यवस्था अगर मिलकर काम करे तो बहुत हद तक ऐसे इस तरह के क्राइम पे लगाम लगाई जा सकेगी, इस तरह के अपराधियों पर लगाम लगाई जा सकेगी जो जमीन को लेकर इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये स्ट्रैटेजी आगे काम जरूर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका। तो देखिए, अब अंचल और थाने मिलकर काम करेंगे जमीन विवाद को लेकर, जिस तरह से क्राइम बढ़ा है राजधानी रांची में, उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, कैसे इस ग्राफ को कम किया जाए, कैसे इसे खत्म किया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर ये बैठक रणनीति और एक अच्छी फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी तैयार की गई है ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।